डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, किस तरीके से हमको हमारी डोमेस्टिक वायरिंग करनी चाहिए और किस तरीके से नहीं करनी चाहिए, इसको समझने के लिए हमने दो सर्किट डायग्राम्स यहाँ पे शो किए हैं। पहला सर्किट डायग्राम जिसमें हमने कुछ बल्ब लिए हैं और उनको सीरीज कनेक्शन में ज्वाइन किया है। दिस इज द एसी सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, दीज आर द बल्ब्स एंड दिस इज द स्विच। ये हमने सीरीज कनेक्शन शो किया है। यहाँ पे हमने उन्हीं बल्बों को पैरेलली कनेक्ट किया है। ओके, ये सारे बल्ब्स पैरेलल अलग-अलग इंडिपेंडेंट स्विचेस के थ्रू कनेक्टेड है थ्रू द मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। हम इन दोनों को कंपेयर करके समझेंगे कि इसकी क्या नुकसान है और इसके क्या फायदे हैं। डोमेस्टिक वायरिंग हमें सीरीज में क्यों नहीं करनी चाहिए और पैरेलल में क्यों करनी चाहिए। So here are some disadvantages of series circuits for domestic wiring. If one electric appliance stops working due to some defect, then all other appliances also stop working. क्योंकि सारे एक ही सीरीज में कनेक्टेड है, किसी भी वजह से अगर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस काम करना बंद कर देता है तो करंट आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, बिकॉज वहां पे सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर एक बल्ब आपका फ्यूज हो जाता है तो बाकी के बल्ब नहीं चलते हैं, इसीलिए सीरीज कनेक्शन हमें नहीं लेना चाहिए। दूसरा डिसएडवांटेज, ऑल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू व्हिच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन एंड ऑफ सेपरेटली। अगर हम घर में इतने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करते हैं तो एक अगर सब के सब सीरीज में कनेक्टेड है तो हम इंडिपेंडेंटली उनको अलग-अलग स्विच ऑन या ऑफ नहीं कर सकते। हमें या तो सबको स्विच ऑन करना पड़ेगा या फिर सबको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पे जिस तरीके से हमने बल्ब सीरीज में लिए हैं, अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो दूसरे बल्ब नहीं चलेंगे, और अगर हमें एक बल्ब जलाना है तो हम एक बल्ब को नहीं जला सकते, हमें सबके सब बल्ब या तो एक साथ स्विच ऑन करने पड़ेंगे या स्विच ऑफ करने पड़ेंगे। तीसरी बात, अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट एज दैट ऑफ पावर सप्लाई। क्योंकि हमने पढ़ा सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं रहता है, करंट सेम रहता है बट वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। दैट मींस सबको इक्वल वोल्टेज नहीं मिलेगा, किसी को ज्यादा वोल्टेज किसी को कम वोल्टेज। चौथा डिसएडवांटेज क्या है, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस टू मच ड्यू टू व्हिच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो। हमने ये जाना कि सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो कंबाइंड रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का, वो काफी ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि हर किसी को प्रॉपर करंट बहुत कम मिलता है। So these are the disadvantages of series circuit for domestic wiring. तो हमें domestic wiring में series circuit use नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं parallel connection के क्या advantages हैं। जैसे हम diagram में देख रहे हैं, parallel connection में सारे bulb individually connected हैं through separate switches। अगर एक स्टॉप कर देते हैं वर्किंग तो बाकी के नॉर्मली काम करते रहते हैं। इफ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली। सबको करंट मिलता रहेगा, अगर एक स्विच ऑफ हो जाता है किसी भी वजह से पूरा सर्किट ब्रेक डाउन नहीं होता है, बाकी सबको करंट मिलता रहेगा। ईच अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच ड्यू टू विच दे कैन बी टर्न ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली। हर किसी का सेपरेट स्विच है, उस सेपरेट स्विच की वजह से उनको हम अलग-अलग स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ईच अप्लायंस गेट्स द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ पावर सप्लाई लाइन 220 वोल्ट। पैरेलल सीरीज में हमने ये पढ़ा कि वोल्टेज कॉमन रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो जो 220 वोल्ट है वो हर किसी बल्ब को, हर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को
वोल्टेज 220 मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है, द ओवर रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड ड्यू टू व्हिच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। ओवरऑल रेजिस्टेंस हमने ये पढ़ा था कि पैरेलल कनेक्शन में कंबाइंड रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस।